सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑनलाइन जुआ के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की है जो 7 जून से 14 जून के बीच चलेगा। YM के शहर अध्यक्ष डॉ. अदनान हक ने सिविल लाइंस के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवाओं की भटकाव और दिशाहीनता को रोकने के लिए इस अभियान की आवश्यकता है। डॉक्टर अदनानुल हक ने कहा कि वर्तमान समय में ऑनलाइन जुआ और गेम्स के कारण युवाओं की दिशा भ्रमित हो रही है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 40% युवा ऑनलाइन जुआ खेलते हैं जबकि महाराष्ट्र में यह प्रतिशत 50% है। इन खेलों में रमी सर्कल रमी 823 ड्रीम 11 पबजी लूडो आदि शामिल है। 18 से 30 वर्ष के 70% युवा इस लत से ग्रस्त है जिससे मानसिक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। NIMHANSK के शोध का हवाला देते हुए डॉक्टर अदनान ने बताया कि ऑनलाइन जुआ खेलने वालों में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक होती है। बेंगलुरु के छोटे व्यापारी दर्शन बालू के उदाहरण से उन्होंने समझाया कि किस तरह एक व्यक्ति ने 1.5 करोड़ रुपए कमा दिए और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि जुआ के कारण नींद आना नैतिक विकार और आपराधिक प्रवृत्तियों में वृद्धि होती है। YM ने ऑनलाइन जुआ हटाओ देश का युवा बचाओ अभियान की घोषणा की है। इस अभियान में बैनर ऑटो बैनर स्टिकर्स और हैंड बिल्स का उपयोग किया जाएगा। नुक्कड़ नाटक और कॉर्नर मीटिंग के माध्यम से युवाओं को ऑनलाइन जुए से दूर रखने की सलाह दी जाएगी। अभियान के दूसरे चरण में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर प्रशासन से इस पर बंदी लगाने का प्रयास किया जाएगा। तमिलनाडु असम तेलंगाना आदि राज्यों में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तीसरे चरण में न्यायालय द्वारा ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर अदनान ने युवाओं से अपील की है कि वे इस अभियान में साथ दें और ऑनलाइन जुए को समाज से उकाड़ फेंकने में मदद करें। इसमें YM के शहर सचिव अब्दुल मतीन और नागपुर विस के अध्यक्ष आसिम गाजी भी उपस्थित थे। यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र में पिछले 13 सालों से काम कर रही है। हमारा काम है कि हम चाहते हैं कि युवाओं के अंदर नैतिकता पैदा हो और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो। इसके अलावा सोशल सर्विसेज का काम हम लोग करते हैं। ब्लड डोनेशन हमारा एक बड़ा फीचर है हर साल का। पिछले साल भी हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर 6000 ब्लड जो है एक ही दिन में कलेक्ट किया था। इस बार भी हमारा ये प्रयास है कि हम वो काम करेंगे। इसके अलावा जॉब फेयर्स लेना, जॉब के लिए गाइडेंस करना और युवाओं की जो भी समस्याएं हैं उन पर काम करना, हम इसके लिए काम करते हैं। अभी 7 से 14 जून के बीच में हम एक अभियान बना रहे हैं। ये अभियान का नाम है ऑनलाइन जुआ हटाओ देश का युवा बचाओ अभियान। इसमें हम ये देखते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग ऑनलाइन जुआ ये बहुत बड़े लेवल पर हमारे युवाओं के अंदर आ रहा है और एक लत के तौर पर हम देख रहे हैं इसको। हम देखते हैं कि 40% जो हमारे भारत वर्ष के लोग हैं ये इस ऑनलाइन जुआ के अंदर इससे लिप्त है और महाराष्ट्र में तो ये 50% है। इसके अलावा इसका एज ग्रुप जो है 18 से 30 के बीच में है। 18 से 30 के बीच में एज ग्रुप के लोग इससे ग्रस्त हैं और एक बड़ा बिजनेस कैपिटलिस्टिक पावर्स के लिए ये है। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की एक रिपोर्ट है 2020 की। उसमें कहा गया है कि जो लोग ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर अपना पैसा लगाते हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज ज़्यादा होती है सामान्य व्यक्तियों के उस मुकाबले में। और हम देखते हैं कि तमिलनाडु ने इसी बेसिस पे सुसाइड के बेसिस पे इसको बैन किया है। हमारी देश की 8 स्टेट में ये बैन है जिसमें तमिलनाडु आंध्र प्रदेश मुख्यतः है। और हम ये समझ रहे हैं कि इस 7 से 14 के बीच में हम चाह रहे हैं कि युवाओं के बीच में जाएं और उनको बताएं कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण एडिक्शन बढ़ रहा है, नंबर 2 सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, डिप्रेशन स्ट्रेस बढ़ रहा है और एंजाइटी हो रही है, एक एड्रेनालिन रश होता है जिसके कारण
एंजाइटी बढ़ती है। उसके अलावा ये गेमिंग ऐप्स जो है खुदगर्जी पैदा करते हैं, बड़े फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं जिसके कारण घर बर्बाद हो रहे हैं, जो लोगों की जॉब्स है वो छूट रही है, और इसके अलावा हमारे समाज में जल्दी पैसा प्राप्त करने का एक होल लगी हुई है, तो ये उसको और बढ़ा रहा है। तो ये एक कैपिटलिस्टिक मानसिकता को जो है प्रमोट कर रहा है। तो ये लेकर जो है हम जा रहे हैं युवाओं के पास में, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए से मिलकर उनको जिम में, चायखानों में जो अलग अलग जो है होते हैं वहाँ पे हम मिल रहे हैं पोस्टर्स, और उसके सोशल मीडिया के ज़रिए से भी हम ये काम कर रहे हैं कि ये नुकसान उन तक पहुँचे और वो समझे। हम पेरेंट्स को भी टारगेट कर रहे हैं, युवाओं को भी टारगेट कर रहे हैं। इसका कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।